हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस डीएसएसबी सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? जो इतिहास का आरंभिक काल है इसको क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चंस देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये कौन से काल में पाए गए थे? पुरापाषाण काल में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो कौन सा स्थान स्थित था इसके किनारे? तो मोहनजोदड़ो स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएलटी ग्रेड पेपर वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृतकों का टीला से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहां मिला था? तो ये कहां मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अभी कल के जीएस का जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये पूजा किससे रिलेट करेगी? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? तो कौन से स्थान पर इस सभ्यता का जहाजी माल घाट था लोथल नामक स्थान पर? तो ये था सिंधु घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र, जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, उसके लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, जो वैदिक आर्य थे इनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, दूध और इसके उत्पाद निम्न में से किसका प्रमुख भोजन था? तो यह वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक लोग थे इनके द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? किसको वेद त्रय कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यहां पे ऑप्शन में आपको अथर्ववेद भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद यहां पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग वैदिक आर्य जो थे पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है, लेकिन अधिकांश शुद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरोहितों को क्या उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता था? जमीन या फिर गाय? तो ये हो जाएगा, गायें प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है? जो आर्यन जनजाति है इनकी प्राचीनतम बस्ती कहां है? सप्त सिंधु में है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है किसमें किया गया है? इसका जो विवरण किया गया ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में
अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ये कौन महिला थी, कौन सी विदुषी थी, ये गार्गी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था, है तो अशोक मौर्य का रुन्न देई स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन एक से दो बार अवश्य करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई, जो प्रथम बौद्ध परिषद ये कहां आयोजित की गई थी, राजगृह में आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे, ये वर्ग कौन थे, स्त्रियां एवं शूद्र। नेक्स्ट है 23, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये हो जाता है इसका सही आंसर। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो ये पाल पाठ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है, वाम सात पाक्सिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था, तो ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो इसका जो प्रचार करने वाला धर्म है ये कौन सा है, बौद्ध धर्म है। 27 में आपका बौद्ध धर्म राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कौन थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म की पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है, किसे पहला तीर्थंकर माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जो जैन साहित्य है इसको क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है जिसमें आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो जैन केंद्र कहां स्थित है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौहा युग जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, चित्रित धूसर यानी मृद भांडों के साथ में रिलेट करेगा। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो मगध के उत्थान के लिए जो कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, बिंबसार उत्तरदायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो इसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी ये थी संस्कृत। नेक्स्ट है 35 नंबर, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पौरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताइए, मूसा साहिब। और जो भी स्टूडेंट्स केवीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर वन से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश जीएस जीके करंट अफेयर्स रीजनिंग कंप्यूटर से रिलेटेड डेली मॉक टेस्ट, अगर क्वेश्चंस के लेवल जो एग्जाम का होता है उसके अकॉर्डिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 9621819209, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस ही वहां पे दिए जाते हैं। और जो अभी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 700, बाकी फिजिकल एजुकेशन केवल ज्वाइन करने के लिए 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। महाभाष किसने लिखा था, तो ये महाभाष जो लिखा गया है ये आपका पतंजलि के द्वारा रिलेट कर जाएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बिंदुसार के समय में अशांति कहां थी, तो बिंदुसार के समय की बात की जा रही तो इसमें अशांति तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो कलिंग युद्ध के कारण आया था। नेक्स्ट है, देवान प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, केवीएस यूपीएलटी ग्रेड DSSB सीजीएल जो आपका SSC का एग्जाम होता है, UP SSS का एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन।
43 कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्शन 13 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें भी लिख के आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था, तो इसमें राजदूत कौन सा? ये मेगस्थनीज थे। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, नीचे लिखी इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये तक्षशिला से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य से रिलेट करता है। ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अशोक के जो शिलालेख है ये कौन सी लिपि खुदे हुए हैं? ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? किसे कहा जाता है? ये अशोक को कहा जाता है, अशोक महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जो मौर्य वंश का शासन था इसमें स्थानिक किसे कहा जाता था? जिला प्रशासक था उसको स्थानिक बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 51, टोटल 100 क्वेश्चन है, वन लाइनर, बहुत कम समय में ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिवीजन अवश्य करिएगा। और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं केवीएस पीआरटी या फिर टीजीटी से रिलेटेड, आप सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से बनेंगे एग्जाम्स में 100%। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। मिलिंद पानो क्या है? बौद्ध पाठ है। ये क्वेश्चन आप जो पढ़ेंगे ये किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य मिलते हैं। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना है? तो ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताना है, कनिष्क हो जाएगा कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? तो कला की जो गांधार शैली ये पनपी थी कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राजा खारवेल किस चेद वंश के महानतम शासक थे? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग में मिल सकता है, कलिंग से रिलेट करेंगे, राइट आंसर होगा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो ये गुप्त ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और इसके पहले के वीडियो केवीएस से रिलेटेड आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग टारगेट क्लासेज विद हरीश सर सर्च करिएगा या फिर फिजिकल एजुकेशन विद भाई पंकज सर, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखेंगे केवीएस से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और केवीएस पेपर वन से रिलेटेड वीडियोस का लिंक आपको चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी थोड़ा सा समय की वजह से थोड़े से क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, बाकी टेस्ट ग्रुप में आपको डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। जो टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है उनका आप लोग रिविजन अवश्य करिएगा। हरिशेण किस राजा का राजकवि था? तो हरिशेण समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हूनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो अशोक भी आपको मिलेगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? तो ये कालिदास हो जाएंगे। महायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। फायान का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये गुप्त हो जाएगा। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताना है अरिका मेडू, इस क्वेश्चन को टिकआउट कर लीजिएगा 70 नंबर। जिसको अभी पेड ग्रुप ज्वाइन करना केवीएस से रिलेटेड 9621819209 पर 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको टीजीटी से रिलेटेड जो पेपर वन आपका होता है वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। पीआईटी से भी रिलेटेड आपके ये चार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसको भी ज्वाइन करना 300 रुपीज में, आप लोग वहां पे जुड़ सकते हैं, डेली का डेली मार्क टेस्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।
71 दिया हुआ है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की, इन्होंने कौन सी पदवी धारण की थी, पंडित चोल मुडिकोंड गैंगे कोंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई, तो ये पल्ली चंदम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था, तो राजराज प्रथम से रिलेटेड है। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, चोल होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75, चोल राजाओं का शासन था, कहां पर राजाओं का इनका शासन था, तमिलनाडु पर इनका शासन था। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, एलोरा। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कविराज मार्ग पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर स्थायी योगदान था, कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा पोन्ना और राना तथा कैलाश मंदिर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, पल्लव राजवंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो यह संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है यह कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी, सोमदेव ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, जो हर्ष चरित्र है इसके राइटर कौन थे, तो ये बाण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है केवीएस जीटी पेपर वन में, चंदेल राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, मिहिर भोज। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, मिहिर भोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ह्वेनसांग। अभी आपको हमने जो क्वेश्चन बोला था हर्षवर्धन से रिलेटेड, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम प्रदान किया गया था यह ह्वेनसांग को प्रदान किया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, यह हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। गीत गोविंद के रचयिता की बात की जाए तो जयदेव से रिलेटेड है। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईसवी तक शासन किया, कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था, जो इस दूसरी लड़ाई हुआ था, इसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी ने। और आपको पहले युद्ध के बारे में बताना है किसने किसको पराजित किया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में। वीडियो पसंद आना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि केवीएस टीजीटी से रिलेटेड जो पेपर वन आपका होने वाला है, इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप लोग 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिस्टमैटिक तरीके से
मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।